बहुत अच्छा लगा हमारी वीडियो पे तारीफ की गई। गाइस वीडियो के माध्यम से गाइस स्वागत है आपका मेरे चैनल पे, स्वागत है एक नई वीडियो में। यार आज है डे सैटरडे, मूड बिल्कुल फ्रेश है, तो मैंने किया फोन शिवम को, डिकी को। और ये रहा डिकी। सो सीन क्या है, आज जा रहे हैं हाईवे और आज पूरा हाईवे नाप दूंगा भाई, ठीक है। और पूरा हाईवे नापने के बाद मतलब बॉम्बे चला जाऊंगा, सीधा बॉम्बे पहुंच जाऊंगा आज। जोक्स अपार्ट यार, मैं सोच रहा हूँ आज लगाते हैं BM वर्सेस डोमिनार 400, BHP में ज़्यादा और CC में ज़्यादा। तो मुझे पहले ही पता है कि ये हारेगी लॉन्ग रन में, पर पिकअप में और ड्रैग में ये जीतेगी। सो आज लगा के देखते हैं। हर्ष को बुलाया है, एक और बंदा मेरी वीडियोस में आजकल आ रहा है हर्ष, वो मिलेगा आगे हमें टोल टैक्स पे। अभी सिर्फ मैं और शिवम ही जा रहे हैं। धीरे धीरे ज़िंदगी से लोग कम होते जा रहे हैं ना, तो लोग कुछ कटने लग जाते हैं, कुछ लोगों के काम आने लग जाते हैं। समझदार को इशारा काफ़ी है। आज दिस वर्सेस दिस करते हैं। एक कमेंट और आई थी सुन, कि तेरा क्या वाइजर पर 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 करता है, कांपता है वाइजर। लगवाया खाली ये करता है। हाँ ये जब इसमें फोन नहीं है, फोन लगा दो तो नहीं करता। हाँ क्योंकि टाइट हो गया ना। सो भाई ये कमेंट थी मेरी किसी वीडियो पे, अगर वो भाई वीडियो देख रहे हैं तो। सो भाई डोमिनार 400 में इसमें अभी कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं आ रही है इसको ना फिलहाल। सो अब पेट्रोल भरवा लेते हैं, उसने भी भरवाना है, मैंने भी टैंक फुल करवाना है। रिजर्व की ना लाइट जल गई है, सो पहले पेट्रोल डलवा लेते हैं और फिर चलते हैं कहीं दूर भाई। शाम को आऊँगा वापस। फुल कर दो भैया, वो डाल दो भाई टॉप तक, वो डालो आर आर आर, वो डालो आर। आने दो आने दो आने दो आने दो, बस हवा भरवाए क्या है? हवा भरवानी है, मुझे भी शायद लग रहा है कम है, मेरे को भी थोड़ा डाउट तो हो रहा है। जब वो चल, वो चला, वो आगे वाला चला भी गया। आ जा भाई, पीछे वाले टायर में ना हवा पता कितनी आई है, मतलब कितनी थी 10। तो एक बार चेक करा दो यार, पंचर तो नहीं है। यहाँ पंचर आ चुका है, तो सॉरी हाय हाय लेफ्ट एंड राइट फ्रंट, आई होप तुम्हें आवाज आ रही है। और यहाँ पंचर लग चुका है। ये छठा पंचर है, पहला पंचर है, पहला पंचर, पहला चलान, पहला सब हो रहा है, सब पहला पहला चल रहा है। तो भाई तभी कल बाइक भाग नहीं रही थी ना, कॉन्टिन्यूसली हवा निकले जा रही थी। 10 थी हवा भाई, 10 कहाँ इसमें होती है, आई गेस 32 समथिंग। तो खींचेगी कैसे, अब देखते हैं क्या परफॉर्मेंस है। लेट्स सी। वाह भाई वाह, बहुत फर्क है। ओहो हो हो हो, जान आ गई भाई, मजा आ गया। आज भाग रही है कुछ है। कल काफी डाउन चल रही थी, फिर भी 166 समथिंग पहुंच गई थी, बट आज तो बात ही अलग है।
भाई 170 टॉप स्पीड भाई 170 टच कर दी आज, तो मतलब कल हवा की वजह से 5-6 स्पीड ना नीचे जा रही थी। थोड़ा ट्रैफिक है, अपनी भगाएंगे आगे खुले में, कहीं इसको फुल खींचते हैं। अभी मैंने कहा है ना, इस बाइक का कान भाई पूरा मरोड़ के, मतलब समझ रहे हो, पूरा यूं रखना है आपको। ये भी सही भाग रही थी भाई पीछे, मैं देख रहा था। बट यार फिर पता क्या, कई बार ना होड़बाजी में दिक्कत आ जाती है, आप समझ रहे हो ना, कॉम्पिटिशन सा लग जाता है। तो मैं ये सजेस्ट करूँगा भाई, जब आपको भगानी हो तो आप अगर अकेले ही हैं तो ज़्यादा बेटर रहेगा ना। भाई ये कुछ हो गया क्या, इधर क्या हो गया, ये सब क्या है, अरे ये क्या है, पता नहीं क्या है ये। फील आ गई भाई, वाओ। और ये 170 पे अटक जाती है, और चाहिए और फिर 200 हो जाएगी, तो फिर चाहेंगे 220 भागे, फिर 220 के बाद 300 में रुक जाएगा भाई। देखो जिस दिन वो बाइक आ गई जो 300 जाती हो, आई एम डन, उससे ज़्यादा तो फिर क्या ही, समझ रहे हो ना। 300 तक अपन ने ऐसे ही भगानी है। भाई मेरा लूज हो जाएगा, मेरा ना क्लच गिर जाएगा, मुझे लग रहा है ये एलन की से मुझे फिक्स कराना है। वाइब्रेशन से ये ऊपर आ जाता है, जो कि होना नहीं चाहिए। अभी गलती से ना विंड ब्लास्ट के टाइम में साइड में देख लिया, वाइजर खुल गया, ये गलती नहीं करनी दोबारा, सीधा देखना है भाई। मैंने थोड़ा सा इधर देखने के लिए, मैं शीशे यूज नहीं करता ना भाई, पीछे पता नहीं चलता कि अगला बंदा किस स्पीड में आ रहा है, और नहीं करूँगा, लुक पसंद नहीं है, नहीं करूँगा। जो काम नहीं पसंद जिंदगी में नहीं किया आज तक भाई, और जो काम पसंद है वो किसी के रुकने से रुका भी नहीं हूँ, नेचर ही ऐसा है, क्या करें। वाह भाई, यहाँ आके बड़ी अच्छी फीलिंग आती है, बिकॉज ये जगह बहुत खुली है यार, बहुत खुली है ये। आगे पुलिस वाले, मैं तो रुकूंगा नहीं, देखो पहले बता रहा हूँ, रोकने की कोशिश ही मत करना, मैं नहीं रुकूंगा, नहीं रुकूंगा, रोका ही नहीं। पता नहीं यार आपको एग्जॉस्ट नोट की आएगी नहीं आएगी, बट कोशिश करूंगा, ये सुनो। कुछ जलने की बदबू आई, फूंक दिया क्या कुछ, ओए इसी से भाई फटेगा लग रहा है साइलेंसर। स्मेल इतने से रेव में स्मेल आ गई, यार थोड़ा थोड़ा शायद ठंडक मांग रहा है ये, पर मैंने कोई ठंडक देनी नहीं है इसको, साइलेंसर का भी ख्याल रखेंगे क्या, अपना ख्याल पहले, साइलेंसर बाइक का बाद में।
खूब रगड़ो खूब पेलो भाई, ये चीजें मतलब यूज एंड अब्यूज ब्रो। मुझे समझ नहीं आता लोग छाती पे लगा के चीजें रखते हैं मेटेरियलिस्टिक। हट, खूब पेलो, हाँ बस कहीं घुसेड़ मत दो। वैसे इसको इसकी पोटेंशियल फुल रेव करो भाई, फुल करो यार, क्या कर रहे हो भाई। यहाँ से चढ़ने के लिए ना आगे से लेफ्ट और फिर इस हाईवे पे चढ़ के सीधा वहीं निकल जाएंगे। ये आ गए भाई, बताओ आप एक बात बताओ, गुड़गांव की भसड़, ये देखो गुड़गांव की भसड़ से निकल कर अगर आप 10 मिनट में यहाँ पहुँच सकते हैं, और जितनी चलानी है बाइक चलाओ, जितनी भगानी है भगाओ, अप टू यू। सो क्या दिक्कत है, ये गुड़गांव के बिल्कुल आउटस्कर्ट्स में है भाई ये जगह, बहुत सही। उस तरफ से हम आते हैं और अभी हर्ष भी आ गया है। ये देखो डोमिनार 200 है ये, और ये है डोमिनार 400, बड़ा भाई छोटा भाई समथिंग यू नो। हाँ से यार पता नहीं कैमरे में क्या ही आता होगा, पर भाई सच बता रहा हूँ बहुत सेक्सी भाई ये जगह तो भाई बहुत प्यारी है। वाओ ये देख लो भाई कितना ज्यादा ब्यूटीफुल है। और अभी शिवम कल मेरी वीडियो देख के कह रहा है कि आज मैं भी बर्नआउट मारूंगा। हाँ भाई स्ट्रिप पे मार, इस पे मार और आगे झुक जाइयो, आगे झुक जाना एकदम। ये तुझे कंट्रोल रखना है ना, ये तुझे कंट्रोल रखना है कि खिसके ना। हाँ आगे डाल, ब्रेक डाल आगे, क्लच छोड़ दे पूरा जब ब्रेक दे। लक्षण बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा है, तुमसे ना हो पाएगा। ये है फेल बर्नआउट, ठीक है बिल्कुल ही फेल बर्नआउट। टायर भी घिस दी है पर कोई फायदा हुआ नहीं है। वेयर्स द स्मोक ब्रो, रुक जा। I might have to show him. Wait. चलो भाई ये भी try करेगा burnout की। Come on. अरे वाह। भाई ये होता है burnout. ये देख लो। पूरा पेंट उतार दिया। गुड बर्न आउट, गुड, वेरी गुड। दैट्स हाउ यू डू इट। हम तो नूब हैं जी, नूब, हमें लगेगा टाइम थोड़ा। कोई दिक्कत नहीं है, नूब है हम, नूब नूबड़ा, आई एम नूब भाई। जरा गाइस लुक दिखाओ यार बाइक की, बताओ गाइस। वीडियो के माध्यम से एक बात कहना चाहता हूँ कि खुश तो हूँ बहुत बाइक से, बट अगर कोई सही में से ख़रीदना चाहता है ना तो आई एम रेडी टू सेल इट, क्योंकि मेरा दिल कर रहा है बहुत ज़्यादा 650 पे कूदने का भाई, बहुत ज़्यादा 650 ट्विन सिलेंडर निंजा भी चलेगी जो हम देख के आए थे। तो अगर किसी को सही में बाइक पसंद है भाई, मुझे इंस्टा पे DM कर सकता है, आई एम रेडी टू सेल इट।
सो भाई अब लगाएंगे डोमिनार वर्सेस BMW, ठीक है। चले भाई, नूबड़ा है थोड़ा सा नूबड़ा ही है बट अभी तो भाई फर्स्ट राउंड तो BM जीत गई है। मुझे लगता है इसका लॉन्च ठीक नहीं हुआ, जो कि मुझे फील आता है, बट लेट्स सी, देखते हैं, एक और लगाते हैं। चलो भाई राउंड टू, ठीक है चलो भाई राउंड टू, बस एक राउंड करेंगे, इसके बाद नहीं करूँगा। ये भी BMW जीत गई। उसके स्टार्ट में मुझे अभी भी दिक्कत लग रही है, ड्राइवर राइडर चेंज करके देख सकते हैं बट कोई फायदा नहीं है, पत्थर पड़ा था। सो भाई आज का रिजल्ट हो चुका है, BM ने डोमिनार को हरा दिया है, ठीक है। आज के दिन मे बी राइडर चेंज करेंगे तो शायद रिजल्ट्स कुछ अलग होंगे, बट फिलहाल यही है जो रिजल्ट है भाई। बहुत रेस होगी, अब थोड़ी देर बैठेंगे और चिल करेंगे भाई। पूरी रोड उखाड़ दी है बर्नआउट ने ना, ये देखो अजय पेंट ही उतर रहा है उनका, जो पेंट है ना सड़क पे वही उतर रहा है भाई। ये देखो मेरा रैप भी यहाँ से खराब कर रहा है, ये इसको तो मैं ठीक कर दूंगा। ये देखो टायर की हालत देख लो भाई, ये देखो एक अलग सी, ये देख ये पेंट है भाई सारा। लगता है 170-160 डलवाना ही पड़ेगा इसमें ना, पहले इसको घिस दें अच्छी तरह फिर करेंगे। सो भाई जैसे कि आपने देखा होगा BMW ने डोमिनार को हरा दिया है। खैर मेरे को मेरे इस पायलट पे बिल्कुल भी ज़्यादा कोई विश्वास नहीं है टू बी ऑनेस्ट। और अच्छा कि डिस्टेंस थोड़ा कम हो सकता था अगर हरा भी ना पाती ना, यार धूप आ रही बहुत ज़्यादा, हरा भी ना पाती अगर पर पास होती, अभी तो ये बहुत काफ़ी दूर था डिस्टेंस पे, तो इसको थोड़ी प्रैक्टिस की ज़रूरत है। तो कभी किसी और राइडर के साथ ज़रूर करेंगे डोमिनार 400 वर्सेस BMW, बट आज का रिजल्ट यही है कि भाई BM जीत गई है, डोमिनार हार गई है, क्योंकि BM पे बैठा है राइडर ऑफ द सेंचुरी जो कि हूँ मैं, और डोमिनार पे आपको पता है 9 से क्या कौन था, राइडर प्रोवाइडर। सो गाइस आज की वीडियो में भाई बस इतना ही, अगर आपको अच्छी लगी हो सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो मन करे तो, वरना कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में, जब तक के लिए ख्याल रखें और मौज ले दबा कर। बहुत अच्छा लगा हमारी वीडियो पे तारीफ की गई। आई एम मिस्टर नूप, पीस आउट। ये राम रहीम गाइज, 10 कमेंट, मात्र 10 कमेंट में इसकी दाढ़ी काट दूंगा यहाँ से। गाइज दाढ़ी की टिप्स चाहिए हो तो बता देना, यहाँ से ना ये दाढ़ी इसकी काट दूंगा। 10 कमेंट भी आगे नहीं पड़ा, 10 कमेंट बस भाई, ये तो अपने लोग भी मार दे तेरी दाढ़ी गई, पर हो सकता है ये। गाइज 100 कमेंट करो, दाढ़ी नहीं कटनी चाहिए, और बताओ। नहीं चलो भाई आप लोग कमेंट, गाइज आप लोग कमेंट करके बताओ कि इसकी दाढ़ी कटनी चाहिए नहीं कटनी चाहिए, ठीक है। घर वाले खुश हो जाएंगे भाई, है ना, थोड़ा तो कुछ सालों पर जो उदासी रहे, इस सालों की मेहनत। भाई यार धूप तो गजब ही है यार, आंख नहीं खुल रही मेरी धूप में।